चंद रोजा जिंदगी के बाद एक लंबी जिंदगी आ रही है, जिसमें जब हम जाएंगे तो मौत से पाक हो जाएंगे, बुढ़ापे से पाक हो जाएंगे, तो बीमारियों से पाक हो जाएंगे, दुख तकलीफों से पाक हो जाएंगे। में होगी आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को बुलाएंगे, फिर उससे आगे इदरीस, शीस, इदरीस, नूह, सारे चलते चलते अंबिया, आखिर में हमारे नबी की दावत होगी। अपने नबी की ज़ियारत खाने के बाद फिर अल्लाह का पैगाम आएगा, इन्ना रब्बकुम यस्तज़ीरुकुम व युकरिकुम अस्सलाम, तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, तुम्हें मिलना चाहता है, चलो अल्लाह की बारगाह में। तो जन्नत में एक मैदान है जिसका नाम है मस्जिद, उसमें सब जमा हो जाएंगे, ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें, और अल्लाह ताला वहां जो खाना खिलाएगा वो जन्नत से बढ़िया, जो लिबास पहनाएगा, खुशबू लगाएगा, सारी बातें बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लेकिन जो सबसे बढ़िया बात होगी कि एकदम अल्लाह का अर्श खुलेगा और अल्लाह सामने आप इन आंखों से देखोगे, अल्लाह कहेगा सलाम कौलम नबर रहीम, मेरे बंदो तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश कर। फिर अल्लाह पूछेगा खुश हो, खुश हो, राजी हो, एक एक औरत से पूछेगा, एक एक मर्द से पूछेगा, खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ नहीं है अल्लाह, कोई ख्वाहिश, कहेंगे या अल्लाह मुल्तान में तुम्हें सजदे किए देखा नहीं था, बिन देखे थे, टक्करें थी, आज तुम्हें देख लिया है, तो हमारा जी चाहता है कि हम आपको देख के सजदा करें, देख कर, जैसे दुनिया में बिन देखे करते थे, आज आपको देख के सजदा करें, तो हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो दुनिया में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा रब था, तो तुम्हारे जिम्मे मेरी बंदगी थी, अब तुम मेरे मेहमान खाने में हो, तुम मेहमान हो, मैं मेजबान हूँ, मेहमान को कोई काम नहीं दिया जाता, जाओ मजे करो, खाओ पियो मौज करो। जन्नत सबसे छोटी जन्नत इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी, और उसका जन्नती जहन्नम में जलेगा, पहले अपने कबीरा गुनाहों की सजा भुगतेगा, फिर वो बाहर निकलेगा, और जब उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो सामने एक शख्सियत होगी, उसको देख के यूं सर झुकाने लगेगा, वो कहेगा क्या कर रहे हो, क्या तुम फरिश्ते हो, तुम्हें आदाब बजा लाता हूं, जैसे पैरों पे हाथ जी, गोड़ियां पे हाथ जी, हमारी ताजीब है, तो वो ऐसे गोड़ियों पे हाथ ले जाने लगेगा, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं आपका नौकर हूं, मैं आपका नौकर हूं, और मेरे जैसे हजारों हैं आपके। आगे चलेगा तो 70,000 नौकर उसको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेंगे, ऐसे लाइन में खड़े होंगे और कहेंगे अमा आने ले सैयदना अन नज़ूरहू, हमारे आका आप तो आए ही ना, हम तो इंतजार कर करके सुकुने पे गए, वो कहेगा शुक्र करो मैं आ ही गया, मैं बड़े लिए तरखा दिन, शुक्र करो मैं आ गया। अब वो सारे ढोल बजाते खुश होते उसको लेकर चलेंगे और एक मैदान में उसको बिठाएंगे, तो वो इधर देखेगा तो जन्नत ही जन्नत, इधर देखेगा जन्नत ही जन्नत, कहेगा ये सब कुछ किसका है, कहेंगे सारा कुछ आपका। फिर वो उसके सामने लाएंगे, एक एक हाथ में ग्रास होगा, एक हाथ में डोंगा होगा, एक में खाना होगा, एक में मशरूब होगा, हर डोंगे का खाना अलग, हर ग्लास का मशरूब अलग, और ये 70,000 140,000 हो गए डोंगे और ग्लास मिलाकर, ये सारे खा जाएगा, सारा पी जाएगा, और उसके अपना पेट फटेगा ना, फूलेगा ना, लज्जत खत्म होगी ना, थकेगा, हर नवाले की लज्जत पहले से ज्यादा हो जाएगी। फिर वो कहेंगे अच्छा बाप अपनी बेगम साहब से मिलने, नौकर एकदम गायब हो जाएंगे, सामने से पर्दा हटेगा तो जन्नत की लड़की, जन्नत में एक नहर है उसका नाम है बैदख, बे ये दाल खा, वो कवर्ड है मोतियों से, उसमें मुश्क अंबर जाफरान काफूर बहता है, बहता है। जब अल्लाह किसी भी हूर को पैदा करना चाहता है तो वो ऐसी नहीं, जन्नत की हूरें मां के पेट से निकली, फिर रोटियां पाइया, दूध पियां पीदियां, फीडर पियां पीदियां, ऐसा नहीं है, वो अल्लाह ताला कहता क्यों नहीं हो जा, तो पूरी जवान लड़की निकल के बाहर खड़ी हो जाती, और उसको 100 जोड़े अल्लाह पहनाता है, और उसका 130 फुट कद होता है। तो मुझे मैंने कहा आदम अलैहिस्सलाम का कद 130 फुट था,
अब ये घिसते 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 टाइम पैसे ऑफ टाइम के साथ एक जिम्मेदार ने मरासी को घोड़ा दिया था खरखरा कर मालिश कर मरासी से मालिश कभी हो सुना ही नहीं वो थोड़ी देर करता रहा जिस वे मालिक कर गया और सौ गया घोड़ा चोर ले गए अख खुली लबे मारे गए वो गया घर और वहां से खरगोश पकड़ के लाया और उसको रस्सा बांध के मालिश शुरू कर दी थोड़ी देर में जिम्मेदार निकले कहना घोड़ा की दे खिलोता मुंह दे रहा है घोड़ा है तो खरगोश है नहीं सही घोड़ा है घास घास के मैंने इतनी मालिश की थी ऐसा घोड़ा बनाया खरगोश बनाया तो हमें भी ना ये कायनात ने और इन फिजाओं ने हवाओं ने हमें घिसाया है ऐसे घिसाया है और हम इस कद पे आ गए जन्नत का असली कद 130 फुट है इन बच्चियों का भी आपका भी हर जन्नती मर्द औरत की हाइट 130 फुट पर है और ये बच्चियां जो लिबास पहनेंगी वो 3 मील के दायरे में घूमेगा ऐसे तो ये सोचते होंगे उठाएंगी कैसे साढ़े तो वैसे ही कमर टूट जाएगी 3 मील के दायरे में वो लिबास घूमेगा इस तरह इतना बड़ा और 100 जोड़ों से घिरी होंगी जन्नत के लिबास का वजन कोई जैसे हम खला में जाएं तो हमारा वजन खत्म हो जाता है हमारा वजन तो ग्रेविटी और हवा की वजह से जब हम हवा से ऊपर निकल जाते हैं तो हम बेवजन हो जाते हैं तो जन्नत के लिबास का अंदर ने वजन खींच लिया है कोई वजन नहीं और वो सिलाना नहीं पड़ता खरीदना नहीं पड़ता धोना नहीं पड़ता उसको प्रेस नहीं करना पड़ता जन्नत में एक दरख्त है जिसका नाम है तूबा उस पर यूं करके लगे हुए हैं फूल ऐसे फूल लगे हुए हैं जब आपका जी चाहेगा कि मैं कपड़े बदलूं तो आपका खाली एक इशारा होगा तो उससे एक लाइट निकलेगी ऐसे अभी आपने 100 जोड़े पहने हुए हैं इनको अगर आप उतारने जाएंगे तो कितना थकेंगे और फिर अगले 100-200 हो गए तो मोटे तो पीछे ही रह गए तो क्या होगा अल्लाह अकबर क्या होगा आप कहेंगे कपड़े बदलना आपके जहन में एक डिजाइन आएगा आपके जहन में डिजाइन आएगा टक जैसे ये कैमरे नहीं है मोबाइल कैमरे ऐसे फ्लैश फेंकते हैं ऐसे फ्लैश आएगा और फिर क्या होगा आप देखोगे तो आपके अगले जोड़े गायब होंगे और नए जोड़े आप पहन चुके हैं क्योंकि पूरी जन्नत में कोई लॉन्ड्री कोई नहीं है कोई टॉयलेट कोई नहीं है कोई बाथरूम कोई नहीं है पूरी जन्नत में कोई धोबी नहीं है तो एकदम मेकअप के लिए इन बच्चियों को कितनी मशक्कत उठानी पड़ती है जो ज्यादा जानती होंगी वहां इरादा करेंगे मेकअप हो जाए तो टक 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 1 सेकंड में और एक और मजे की बात हर जुमे को जब वो होगा ना अल्लाह कहेगा जाओ मजे करो खाओ तो वो कहेंगे या अल्लाह नहीं हम जन्नत नहीं चाहते तुझे देखना चाहते हैं अल्लाह ताला कहेंगे अभी जाओ हर जुमे आ जाया करना तुम्हारी मेरी बात होगी हर जुमे अल्लाह से मिलने के बाद हर जुमे जब वापस आएगा हर जन्नती तो एक बाजार लगेगा मर्दों का एक औरतों का उस बाजार में फोटोज होंगी बड़ी खूबसूरत हर फोटो के नीचे लिखा होगा अगर आप चाहें तो मैं आप में कन्वर्ट हो सकती हूं और बेगम ने एक तस्वीर देखी उसे पसंद आई तो अगले सेकंड में उसका चेहरा उसके मुताबिक होगा खामिन को तस्वीर पसंद आई तो अगले सेकंड में उसका चेहरा वैसा होगा अब ये नई शक्ल लेके जा रहा है और बेगम भी नई शक्ल लेके आ रही है लेकिन दरवाजे पे लड़ाई नहीं होगी बीबी कौन है कि तू आ गई है तो तेरी जन्नत ही तो तू कि तू बड़ा है बदमाश है जन्नत तेरी है कोई नहीं वो उसे पहचानेगी वो उसे पहचाने और अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता आएगा कहेगा अल्लाह के बंदे ये फल है अल्लाह ने आपको दिया है ऐसे बैठे हैं मियां बीबी वो कहेगा हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु मैं अभी मैंने खाया है ये फल मैंने अभी खाया है वो कहेंगे अल्लाह कह रहा है इसको भी चख लो थोड़ा जब वो उसको ऐसे चीर के खोलेगा वो खुद ही ऐसे फट जाएगा तो उसमें से जब एक फाड़ी उठाएगा या जो चीज भी है उठा के मुंह में डालेगा तो उसकी जन्नत में 10 करोड़ अगर दरख्त हैं और उन पर अलग अलग फल हैं और उनके अलग अलग खुशबू और जायके हैं तो उस एक नवाले में उसे 10 करोड़ फलों का जायका और खुशबू और लज्जत अल्लाह ताला महसूस करवाएगा फिर एक और अल्लाह ने ताकत रखी है कि आपने नवाला मुंह में डाला उसको तो अब रोकना ही दुनिया में तो मुश्किल होता है ना बड़ा जोर लाया डॉक्टर ने चबा के खाओ तो वो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक उन्हें कौन इंतजार करे वहां आपने नवाला मुंह में डाला आपको खाते खाते ख्याल आ गया मछली का
तो मछली उठाने नहीं पड़ेगी, यही नवाला मछली बन जाएगा। फिर आपको ख्याल आ गया मुर्गे का, तो ये मुर्गा बन जाएगा। फिर आपको ख्याल आया बकरे का, तो ये बकरे का गोश्त बन जाएगा। फिर आपको ख्याल आया केले का, तो ये केला बन जाएगा। अमरूद का है, तो अमरूद बन जाएगा। मुल्तान में कोई नस्वारी था, उसे नस्वार याद आई, तो नस्वार भी बन जाएगा। जन्नत के परिंदे उड़ते हुए आएंगे और आके बैठ जाएंगे, ये आप मुझे खाएं, वो कहेगा मुझे खाएं, वो कहेगा मुझे खाएं। इधर मरी मरी मुर्गियां खा के हमारे जवानों की जवानियां ही मर गई हैं, वो कहीं ऐसे करके पड़ी होती। वो देसी मुर्गी होती थी, पकड़ने में भी जोर लगता था और खाने में भी। तो वो कहेंगे एक परिंदा कहेगा मैंने जन्नत और फिरदौस का घास खाया है और उसका पानी पिया है, तो आप मुझे खाएं। हाँ तू ठीक। तो वो कैसे उसको खाएगा, वो अपने परों को ऐसे यूं फहरा देगा, उसके 70,000 पर होंगे, उनको ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। तो हर पर से खाने का एक खाने की किस्म गिर के टेबल पे सेट हो जाएगी और हर 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 डिश पहले से ज्यादा लजीज होगी। जिंदगी आगे आ रही है।